जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग चलते हैं 10th क्लास के 2.2 प्रश्नावली बहुपद में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो प्रश्नावली 2.2 के, है ना, पहला सवाल के 6 सवाल बन गया था। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, है ना। दूसरे में ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरे में क्या ध्यान देना है, है ना, कि मान लीजिए शून्य के माथी, मैंने आपको मालूम है, मैंने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुने बीटा शून्यकों का जोग मालूम है, आप शून्यकों का गुणनफल मालूम है, आज द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए पहला सवाल क्या है, दूसरा का पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा का पहला सवाल दिया है 1/4, है ना, आप फिर है माइनस एक है, तो इसको हम लोग बनाना है द्विघात बहुपद, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, कितना है 1/4। हमको फॉर्मूला याद है, कितना होता है, क्या होता है, मैंने माइनस बी बटा ए होता है, ध्यान दीजिए, माइनस बी बटा कितना होता है, माइनस बी बटा ए होता है। चलिए शून्य का गुणनफल आ जाइए, शून्यकों का गुणनफल में आ जाइए, अल्फा गुने बीटा, है ना, तो ये कितना मालूम है, -1 मालूम है, ध्यान दीजिए -1 है, यहाँ पर क्या एक छिपा है, तो यहाँ देखना है हमको, यहाँ पर अगर ए 4 है तो यहाँ भी ए 4 होना चाहिए, क्योंकि सी बटा ए होता है, क्या होता है इसका, इसका होता है सी बटा ए, है ना। तो ध्यान दीजिए, जब सी माइनस एक है, सी माइनस एक है, आई ए 1 है, तो 1 तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ए 4 है ना, तो इसलिए यहाँ भी हमको 4 बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका सूर्य गुणनफल आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर मिलाएंगे क्या, यहाँ यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर 4 हो गया, b बराबर कितना है, a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर क्या है, तो c है आपका -4, c है -4, चल हो गया। इसलिए इसलिए द्विघात बहुपद क्या है, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को याद होगा, बताए थे एक बार, है ना, क्या बताए थे, ax² + bx + c। अब जहां जहां ए है बी है सी वहां पर मान बैठा देंगे, ए कितना है 4 है तो 4x², बी कितना है, बी -1 है तो -1 लिख देंगे, अच्छा प्लस सी कितना है, -4, चलिए तो क्या होता है 4x² हो जाएगा, -± 1x और -± 4, ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बन गया। मैंने हम लोग को मालूम है, है ना, शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणफल, गुणनफल मालूम है, तो हम लोग क्या निकलना, ये सवाल था ना, सवाल में ही था, देखिए कह रहा था कि शून्यकों का जोग और गुणनफल दिया हुआ है, है ना, शून्यकों का जोग और गुणनफल दिया हुआ है, हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकाल दिए, इसलिए द्विघात बहुपद कितना गया, मान बैठा दे, एक मान एक बैठा दे, बी के मान बी बैठा दिए, आप सी की जगह सी मान बैठा दिए, तो हमारा आगे कितना गया, द्विघात बहुपद 4x² - 1x - 4, एक लिखा जाता है भी नहीं भी लिखा जाता है, तो इस तरह हम लोग द्विघात बहुपद मालूम कर लिए। जय हिंद, जय भारत।